अजय और विजय मेरे मित्र हैं, ऊपर से जीशान कादरी फ्राइडे टू फ्राइडे वाले भी मेरे मित्र हैं, और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो इस पूरे टूर्नामेंट में खेलते रहे हैं, मलकान सिंह हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ऑफकोर्स उनके साथ गेम में जब ये टूर्नामेंट चल रहा था तब भी मैं देख रहा था, और अभी फिर से ये इंटरनेशनल हो रहा है तो बहुत अच्छा है, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है सभी को बाहर जाने का और क्रिकेट खेलने का एक अपने अंदाज में। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। इस देश में ऐसा कोई शायद ही कोई आदमी होगा जो क्रिकेट का शौकीन नहीं रहा होगा। मैं हमेशा रहा हूँ, और थोड़ा सा सचिन पाजी जब आउट में से रिटायर हो गए तो थोड़ा सा कम हो गया, बट स्टिल विराट कोहली इज देयर, इंडियन टीम इज देयर स्पेशली, सो या एवरीबडी इज आई थिंक जी। नहीं, मैं उस फिल्म का पार्ट इतना ही हूँ कि मैं कमांडो 1 में था और अभी मैं दर्शक की भूमिका निभाऊंगा, तो मैं कमांडो 2 में नहीं। ऑफकोर्स है, देखिए आप कभी भी इस तरह की एक सीरीज जब बनती है तो उससे जुड़े हुए जो भी जितने भी लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं से उससे एक जुड़ाव महसूस करते हैं, चाहे आप बेशक उसके पार्टनर रहे हों। और विद्युत बहुत अच्छे मित्र हैं, विपुल जी बहुत उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बनती है, तो मैं शुभकामनाएँ हैं सबको, और मैं चाहूँगा कि कमांडो 2 बहुत बड़ी हिट हो। थैंक यू। एक्चुअली BCL जस्ट हैपेंड दिस ईयर, मेरा बिल्कुल मतलब मेरा माइंड था ही नहीं कि मैं क्रिकेट भी खेल सकती हूँ, बट अजय हेल्प मी एंड ही सेड दैट यू कैन डू इट, तो मैंने बहुत मेहनत की थी हमारे जो कलर्स में जो BCL आता है उस पर ऑल्सो, एंड आई प्लेड एंड लकीली एवरीबडी रिकग्नाइज माई हार्ड वर्क और आई गॉट वट आई वॉन्टेड। So now BCL is going on an international level and I just wish luck to all of them who are associated and I am so happy to be part of it and I am going to play and you know fly there and bahut masti hone wali hai aur bahut hard work hone wala hai, so I'm very excited. हाँ, इस साल लकीली लड़कियाँ हावी रही हैं, उसमें से मैं थी एक वन ऑफ द प्लेयर, सो आई फील वेरी ब्लेस्ड कि भगवान ने मेरा साथ दिया एंड माई कोच, सो इस बार लड़कियों ने रूल किया है तो आई गेस इंटरनेशनल लेवल पे भी लड़के ही रूल करेंगे। BCL के साथ पिछले 2 साल से मैं एसोसिएटेड हूँ, इनफैक्ट दिस इज़ द 3rd सीजन विच आई एम एसोसिएटेड विद, एंड जैसे कि मैं BCL का वन ऑफ द टीम ओनर्स भी हूँ अहमदाबाद एक्सप्रेस का, तो इट फील्स वेरी प्राउड दैट दिस गेम इज़ गेटिंग बिगर एंड बिगर, एंड जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, बालाजी ने प्रॉमिस किया था कि इस गेम को और बड़ा बनाते जाएंगे, बिगर GEC चैनल कलर्स और कलर्स के साथ साथ अब इंटरनेशनल हो रहा है, तो मेरे ख्याल से जो इंडिया की ऑडियंस की जो रीच है, हमारे जो BCL की रीच अब और बड़ी हो जाएगी, और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले साल इसे और बड़ा बनाए, IPL के लेवल तक ले जाए, तो आई विश द होल BCL टीम अ वेरी ऑल द बेस्ट, एंड बहुत बड़ा स्टेप है, इंटरनेशनल जा रहे हैं, क्रिकेट जा रहा है, एंड स्पेशली गर्ल्स खेल रही है, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग फॉर एवरीबॉडी, एंड जो हमारे फैंस है, जो व्यूअर्स है, जो US ऑल ओवर द वर्ल्ड है, स्पेशली US बिकॉज एज इट इज़ BCL इज कमिंग टू US, सो आई फील दे विल गेट टू मीट ऑल द एक्टर्स, ऑल द कैरेक्टर्स, एंड दे विल गेट अ चांस टू सी एवरीबडी प्ले क्रिकेट, स्पेशली गर्ल्स, तो
यूएस तैयार हो जाइए, बॉम्बे का जो तड़का मड़का जो मिर्च मसाला है वो आ रहा है यूएस में थोड़ा सा तड़का डालने के लिए, एंड BCL इज गोइंग टू रॉक इन द कमिंग फ्यू इयर्स, तो बस आप देखते जाइए ये गेम कहाँ जाता है। पार्टी एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो एक्टर्स मिल नहीं पाते, जो फ्रेंड्स मिल नहीं पाते, एक ये मौका है जहाँ पे सब मिल जाते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग कि मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्लेयर्स, एक्स प्लेयर्स, मेरे एक्स को ओनर्स, मेरे ओनर्स वगैरह जो भी है सब एक साथ में मिलेंगे, डिस्कशन होगा इस बारे में, तो आई फील इट्स वेरी गुड दैट वी ऑल गेट अ चांस टू मीट अप इन सच काइंड ऑफ ओकेशन। एंड जब BCL की बात आ गई है तो प्लेयर्स ही है और प्लेयर्स से पहले फ्रेंड्स हैं, तो फ्रेंड्स से मुलाकात भी हो जाएगी और साथ ही साथ काम की बात भी हो जाएगी। मेरे ख्याल से घर से सेट तक पहुंच जाओ, मेरे ख्याल से लोनावाला तक जाने की ज़रूरत नहीं है, बारिश बहुत है और ऑफ कोर्स मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन काम के बारे में ध्यान रखते हुए हर चीज़ को ध्यान रखना पड़ता है, सो जिस दिन छुट्टी मिलेगी डेफिनेटली, बारिश का मौसम है, लॉन्ग ड्राइव तो बनता ही है, तो जाना ज़रूर बनेगा। मैं तो लास्ट 2 साल से एसोसिएटेड हूँ और इन्हीं के टीम के साथ एसोसिएटेड हूँ। इस बार हमने बहुत मेहनत की, अच्छे से खेला एंड ऑब्वियसली वी डिड रियली गुड। हमारी टीम की लड़कियाँ एंड इवन फ्यू बॉयज़ टॉप 10 लिस्ट में थे, टॉप 10 प्लेयर्स की लिस्ट में, सो वी ऑलरेडी डिड वेरी गुड इन इंडिया। नाउ ऑफ कोर्स इट्स रियली एक्साइटिंग दैट वी आर गोइंग टू US, विच इज़ अमेजिंग, तो बस फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वी जस्ट होप फॉर द बेस्ट। एंड हम लोग बस इंटरनेशनली भी छा जाना चाहते हैं जैसे इंडिया में BCL छा गया है। सर आपका क्या? एक्चुअली मतलब काफ़ी टाइम से मेरी कोशिशें चल रही थी और माय कंपनी पैरागॉन एंटरटेनमेंट, वो आई मीन वी आर ट्राइंग कि BCL क्योंकि इट्स वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट, तो उसको इंटरनेशनली ले जाया जाए और इंटरनेशनली भी मतलब हम लोग ये सोच रहे थे कि कहाँ ले जाएं, मतलब जहाँ पे इंडियन पॉपुलेशन है या फिर लोग क्रिकेट देखते हैं, और US मतलब बहुत ही मुश्किल था, मुश्किल है एक्चुअली US ले जाना, इतने सारे एक्टर्स को, इतने सब लोगों को एक साथ वहाँ ले जाना, आप सात समंदर पार जा रहे हैं, और US की ऑडियंस एक्चुअली एक्साइटेड है कि इतने सारे टेलीविज़न स्टार्स, उनके चहेते स्टार्स हमारे सामने आके क्रिकेट खेलेंगे और मस्ती करेंगे, डांस करेंगे। सो मैंने एक्चुअली वहाँ के मार्केट का सर्वे किया और मतलब मुझे पता चला कि इट्स स्पोर्ट को बहुत पसंद किया जाता है, सो दैट्स व्हाई आई वाज ट्राइंग कि हो जाए, एंड फाइनली हो रहा है और आज हम लोग सब इसलिए मिले हैं क्योंकि BCL इंटरनेशनल हम लोग अनाउंस कर रहे हैं कि भाई दिस जुलाई वी आर गोइंग देयर एंड वी विल प्ले BCL इंटरनेशनल इन सैन फ्रांसिस्को। Any date has been declared when we'll yeah, we'll be playing over there on 30th and 31st July. पार्टी इज़ ऑलवेज फन, ऊपर से जब मौसम ऐसे हो और इतने अच्छे सुहाने क्लोज फ्रेंड्स हो तो इट्स ऑलवेज फन। इन्होंने वैसे भी बहुत सारे पार्टीज ड्यूरिंग BCL भी दिए थे, जो मुझे आज याद आ रहा है जब हमने स्टार्ट किया था इस सीज़न BCL का, तो ही टोल्ड मी दैट वी माइट पिच टू US television and let's see how it works. Man, well, seriously, Ajay, you can do that, like we can go that big. So, aaj वैसे ना यकीन नहीं हो रहा है, he actually made it that big. Also, Mansoon has started now, so any plan to travel Lonawala or some other places? वो तो हम बहुत बार actually जा चुके हैं, अभी हम US सोचते हैं. Okay, any plan to travel overseas? Any plans as in we are traveling overseas already in July end, he already said. Tickets, visa sab ho gaye hain, toh matlab we already planned. So overseas kya, do samundar paar karke jayenge hum. Thank you.
आई एम एसोसिएटेड विद बी सी एल सिंस लास्ट ईयर. मैंने पहला सीजन ही खेला था मतलब, सो दिस इज माई सेकेंड ईयर विद बी सी एल एंड आई एम बी सी एल भी खेला है, बी सी एल पंजाब भी खेला है एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई वॉज अ क्रिकेटर एंड ऐसे चीज़ हुई है कि बींग एन एक्टर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती खेलने को. और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है बी सी एल वालों ने कि एक तो बी सी एल हुआ, उधर से बी सी एल यू एस सोने पर सुहागा कहूँगा एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी इन यू एस बिकॉज मैं कभी यू एस नहीं गया एंड बी सी एल की वजह से फर्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू यू एस, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड. पार्टीज तो होती रहती हैं, पार्टीज तो हमारा जन्म से अधिकार है लग रहा है, जब से बॉम्बे में आए हम पार्टीज ही कर रहे हैं. पार्टीज का एक्साइटमेंट है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन हाँ ये कहेंगे जब कैलिफोर्निया जा रहे हैं और सब लोग इतने साथ जा रहे हैं, मतलब 50 लोगों का क्रू, 50 एक्टर्स सब साथ जाते हैं, ये दिस इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फॉर अस. वीकेंड से शॉपिंग चालू तो हो ही जाएगी, बट मैं मॉनसून में ये चाह रहा हूँ कि मैं कम से कम घर से निकलूँ, क्योंकि कल आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम बांद्रा टू गोरेगांव एंड आई टुक 4 आवर्स, मतलब तो मैं थक गया हूँ यार. मतलब ये है कि मॉनसून बहुत अच्छा लगता है मुझे, मगर मुझे ट्रैफिक नहीं अच्छा लगता. भगवान कुछ ऐसा करे बॉम्बे में कि ट्रैफिक मॉनसून हो और ट्रैफिक ना हो, मतलब जैसे होता है नॉर्मल वैसा हो, मगर अभी पता नहीं क्या हो गया. बट और खाने की अगर बात करें तो अभी तो डाइट पे हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जिम भी नहीं जा पाते हैं, क्योंकि इतनी बारिश होती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में 1-1 घंटा लगता है. सो आई एम ट्राइंग कि डाइट पे रहें, अभी भी पार्टी हो रही है, मगर ये कोशिश करेंगे कि कम कुछ ना करें. ये कोशिश सक्सेसफुल नहीं होगी, ऊपर जाते ही 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगी ये कोशिश. दोस्त यार जब ऐसे हो तो कोशिश नाकाम हो जाती है हमेशा, दरी की दरी रह जाती है आपकी कोशिश. सो यार थैंक यू सो मच. It's a very big thing, first of all, because international jana, it's not an easy task. And kudos to Anand and Sunny and Marinating Films Balaji, because किसी चीज़ को बाहर represent करना बहुत मेहनत है, and I think they're working really hard, and I feel so proud to be associated with them, and they are my friends, so I'm here to support them, and I feel so proud कि you know, and they prove it that if you want to do something, you want to make it happen, you believe in it, and it will happen. Any date has been declared till now when we every team gonna travel to US? I think end of July what they're planning. मेरा थोड़ा डामाडोल है जाने का, बिकॉज आई हैव सम फ्यू कमिटमेंट्स ओवर इयर्स, कुछ चालू है मेरा. अदरवाइज अभी तक मैंने एंडी को बोला नहीं है, आनंद को, तो हाँ इट्स अ सीक्रेट. सो हाँ आई माइट नॉट बी एबल टू जॉइन देम बिकॉज आई हैव सम कमिटमेंट. आल्सो पार्टीज देयर इन फैक्ट, सो हाउ मच यू फील एक्साइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ पार्टी एंड व्हाट आर द मस्ती वी गॉट हैव. यार अभी क्या है ना कि मस्ती तो होगी एंड आई वांट टू मीट देम एंड कांग्रेचुलेट देम फर्स्ट बिकॉज इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर देम एंड you know I like to be you know share their happiness and party to khair na main peeta hu na main kuch karta hu but yeah and also how is your Harley Davidson? Oh Harley Davidson is good yaar, barish ka mausam hai, I so want ke main ek do din mein shayad bike leke niklunga bahar. Abhi tak to I was in Taiwan so I came back some few days back, to maine bike ko thoda abhi wo kiya hai. So yeah barish mein main bike leke, agar aapko kyunki dikha Harley Davidson pe to main hi hunga. But yeah, but with all the gaze on. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Sorry. I think right from day one, Sunny hai,
आनंद है, इन लोगों ने जब से शुरू किया है तब से. आई वॉज ऑल्सो अबाउट ओन अ टीम, तो उनका एसोसिएशन इज लाइक अ फैमिली एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ देम दैट वो लोग दो साल तो हुए हैं और दो साल एकदम स्टाइल में हुआ है. दो साल के कम्प्लीशन पे द BCL इज हैपनिंग इंटरनेशनल, US में होने वाला है. एंड US में आई डोंट थिंक टेलीविजन का कोई इससे बड़ा इवेंट हुआ है जहाँ 55 इंडियन सेलिब्रिटीज़ आर गोइंग ट्रैवलिंग एक साथ एंड दे गोना परफॉर्म फॉर द पीपल. तो हम लोग वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि वहाँ के US के फैंस से हम लोगों को मिलने का मौका मिलेगा एंड उन्हें एंटरटेन करने का पर्सनली मौका मिलेगा. आपका कहना है? आई एम एक्साइटेड बिकॉज BCL हैज बीन रियली फन. एंटरटेनमेंट है, लोगों को तो पसंद आ ही रहा है. मैंने वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने सारे देखे तो हैं नहीं मैचेस, बट जितना भी देखा है इन्जॉय किया है. एंड आई होप कि ये जो BCL इज गोइंग इंटरनेशनल, ये सबसे बड़ा इवेंट लाइक ही सेड, एंड स्पेशली वी आर मैंशनिंग BCL और हम जिस टीम में थे लखनऊ नवाब्स, उसके जो ओनर थे अजय, he is taking all of us there in the US and that is a big thing and it's a very very proud very, moment very, yeah very very happy for it. Because BCL is showing this, so is there any plan or what other things we want to explore there? Things we are going to explore. See, the thing is hum agar kahin pe jaate hain to ek to ye hota hai obviously we have work there, that's the reason we are going and we definitely take out time to travel. और साथ में हम जैसे कीड़े वाले जो लोग होते हैं जिनमें फिल्म मेकिंग का कीड़ा होता है, वो ये भी सोचते हैं कि जाके वहाँ पे कुछ शूट कर ही आते हैं, और हमारा वैसा ही कुछ दिमाग में प्लान है. राइट, बिकॉज अजय हमारे शॉर्ट फिल्म के पहले शॉर्ट फिल्म के हीरो रह चुके हैं और उनकी फिल्म कांस में ऑल्सो डिड वेरी वेल. तो इसके लिए वी आर प्लानिंग समथिंग एल्स ऑल्सो. तो BCL के बाद अभी तो पार्टी शुरू हुई है टाइप्स होने वाला है. आई थिंक वी आर गोइंग बी शूटिंग समथिंग देयर. हम लोग स्क्रिप्ट ढूंढ रहे हैं. अगर ऑडियंसेस आपके पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट हो तो प्लीज सेंड इट टू अस, बिकॉज वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू अ स्क्रिप्ट व्हिच कैन बी मेड इन US. एंड ऑब्वियसली उसके साथ BCL का बड़ा तड़का है. BCL जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पहले टेलीविजन एक परिवार हुआ करता था, अभी हमारे परिवार में एक नया बैकयार्ड खुल गया, प्लेग्राउंड खुल गया, क्योंकि जिसमें ऐसे प्लेग्राउंड में जहाँ सब लोग आके मिलते हैं, बातें करते हैं, गॉसिप होता है, मस्ती होती है, झगड़े भी होते हैं, लेकिन वो भी हर एक जहाँ चार बर्तन होंगे टन टन तो होगी. तो इट्स अ लॉट ऑफ एंटरटेनमेंट. तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस प्लेग्राउंड गोइंग इंटरनेशनल. अभी हम बाहर जाके खेलेंगे. मानसून मेरा इनकमिंग फ्री है, जो भेज दो मैं सब खा लेता हूँ. तो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है. मानसून के साथ इनका बर्थडे भी आ रहा है. तो इनका बर्थ मंथ आज शुरू हो चुका है. तो ये पूछे कि इनके बर्थ मंथ में क्या प्लान है और क्या हो रहा है. या सो व्हाट आर द प्लान्स फॉर बर्थडे? व्हाट आर द रैडिकल रोसिडियंस एंड मनीष की दीवानीज, व्हाट आर दे डूइंग? इट्स रियली स्पेशल बिकॉज ये ट्रेंड शुरू हुआ था अविका के बर्थडे से. उसके लिए बर्थ वीक मनाया जाता था, फिर पता नहीं कहाँ से इन लोगों ने नया शुरू किया कि बर्थ मंथ मनाया जाए. तो हर रोज़ मेरे घर पे बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे फ्लावर्स, बहुत सारे लवली लेटर्स और बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो बर्थ मंथ की शुरुआत हो चुकी है एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई होप गॉड मुझे बर्थडे पे ये प्रेजेंट दे कि मैं लेह लद्दाख जाके आऊँ. मैम ने कोई गिफ्ट नहीं दिया, शी इज़ अ पार्ट ऑफ द टीम. ये हैंड इन ग्लव रहती है फैंस के साथ. तो ये सब लोग मिलके इस बार कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ पक रहा है आसपास, क्योंकि मेरे आसपास के जितने मेरे अपने हैं उन लोगों के आसपास कुछ सुनाई देता है. तो यू नो बंदा इतना बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ रहा है कि कुछ ना कुछ तो हो रहा है. अभी सीक्रेट यहाँ खोलेगी नहीं एंड ना ही फैंस खोलेंगे, तो लेट्स सी क्या आने वाला है. फिलहाल तो बुके आने शुरू हो गए. Excited and Manish ki Diwani gang and Radical Rosidin, you guys know what I'm talking about. All right. Okay, thank you. Thank you.